हाँ जी लिसन बेटा अब हम बात करेंगे वॉलकैनिक माउंटेंस ठीक है तो वॉलकैनिक माउंटेंस आर फॉर्म्ड ड्यू टू वॉल्कैनिक एक्टिविटी जो वॉलकैनिक एक्टिविटी होती है उससे वॉलकैनिक माउंटेंस बनते हैं ठीक है तो इसमें एक टू एग्जांपल दिए हुए हैं माउंट किली मंजारो अफ्रीका में है और माउंट जो फिजियामा जो है वो जापान में है ये कौन से वॉलकैनिक माउंटेंस हैं आगे हम माउंटेंस के यूज की बात करते हैं तो माउंटेंस आर वेरी यूजफुल सो माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर जहाँ पर वाटर बहुत स्टोर हाउस माना जाता है माउंटेंस को वाटर का जहाँ पर बहुत से ग्लेशियर्स मिलते हैं रिवर वैलीज़ मिलती हैं जो माउंटेन से पानी आता है वो इरिगेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ किया जाता है इसके अलावा माउंटेंस हैव रिच ऑफ फ्लोरा एंड फोना फ्लोरा क्या है इट इज द काइंड ऑफ प्लांट्स ठीक है इट इज अ टाइप ऑफ प्लांट्स ठीक है फ्लोरा जो है प्लांट्स रिलेटेड होता है फोना क्या है एनिमल्स रिलेटेड होता है इसके अलावा फॉरेस्ट से हमें बहुत से प्रोडक्ट्स मिलते हैं क्लियर तो आगे बात करते हैं प्लेट्यू की बात करते हैं ए प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड प्लेटू क्या है एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड है इट इज ए फ्लैट टॉप टेबल लैंड जी लैंड जो है ऊपर से टेबल जैसी होती है ए प्लेटो में है वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप्स हो सकता है प्लेटो की जो एक से ज़्यादा स्टीप साइड्स हो सकती हैं स्टीप स्लोप्स हो सकते हैं लेकिन लेकिन ऊपर से वो टेबल जैसे ही लैंड हुई ऊपर से फ्लैट ही होती है द हाइट ऑफ प्लेटू ऑफ जो जो प्लेटू की हाइट होती है वो भी डिफरेंट होती है कहीं पर भी प्लेटू की हाइट जो है हर जगह एक जैसी नहीं होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है प्लेटोज लाइक माउंटेंस में भी यंग और ओल्ड प्लेटूज माउंटेन्स की तरह यंग और ओल्ड हो सकते हैं डेकन प्लेटू इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू इंडिया में जो डेकन प्लेटू है जो वो ओल्डेस्ट प्लेटू है ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू इन केनिया दंजानिया एंड द युगान्डा द वेस्टर्न प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल्स जे और भी प्लेटूज हैं जिनकी एग्जाम्पल दी गई है आगे बात करते हैं तिब्बत प्लेटू ठीक है जी जी हाइएस्ट प्लेटू है वर्ल्ड का हाइस्ट प्लेटू है ठीक है जिके की भी क्वेश्चनिंग आए तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का हाइस्ट प्लेटू कौन सा तिब्बत प्लेटू है ठीक है वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेटू कौन सा है तिब्बत प्लेटू है आगे बात करते हैं प्लेटूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स प्लेटू बहुत यूजफुल होते हैं क्योंकि उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं क्लियर तो एज ए रिजल्ट मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेटू एरियाज इसीलिए बहुत से जो माइनिंग एरियाज हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर प्लेटूज होते हैं जहाँ पर प्लेट होते हैं इन द प्लेटू एरियास देर आर देर में बी वेरी सेवरल वाटरफॉल्स फॉल्स प्लेटू एरिया में कुछ वाटरफॉल्स होते हैं एज अ रिवर फॉल्स फ्रॉम ए ग्रेट हाइट और वॉटरफॉल क्या होते हैं जब रिवर जो है ग्रेट हाइट से नीचे गिरती है तो उसको वाटरफॉल कहते हैं इंडिया में एक वाटरफॉल है छोटा नागपुर पे प्लेटू में एक वाटरफॉल है हुंडरू हुंडरू फॉल्स जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू में है हुंडरू वाटरफॉल ठीक है छोटा नागपुर प्लेटू में है क्लियर आगे बात करते हैं एंड द योग फॉल्स इन कर्नाटका और कर्नाटका में कौन सा फॉल है वो वाटरफॉल है योग फॉल्स है ठीक है द लावा प्लेटू आर रिच इन ब्लैक सॉइल अगर लावा प्लेटू की बात करें जो वोल्केनिक एक्टिविटी से जो प्लेटू बना है उसकी जो रिच सॉइल होती है वो ब्लैक होती है फर्टाइल होती है गुड फॉर कल्टीवेशन होती है फर्टाइल होती है और गुड फॉर कल्टीवेशन होती है ठीक है मेनू प्लेटिस है बहुत से प्लेटूज ऐसे हैं जो लोग जहाँ पर जाते हैं अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट प्लेसेज हैं जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं उन प्लेटस को देखने जाते हैं आगे बात करते हैं प्लेन्स की आगे क्या बात करते हैं प्लेन्स की बात करते हैं तो प्लेन्स आर अ लार्ज स्टेचेज ऑफ फ्लैट लैंड प्लेन्स जो है जो फ्लैट लैंड होती है तो दे आर जनरली नॉट मोर देन टू हंड्रेड मीटर्स अबव मीन्स सी लेवल जो प्लेन्स uh, हैं वो सी लेवल से टू uh, मीटर जो है टू हंड्रेड मीटर जो है उतने ही ऊपर होते हैं सम आर एक्सट्रीमली लेवल कुछ प्लेन्स बड़े लेवल में होते हैं अदर्स में भी स्लाइटली रोलिंग एंड अंडुलेटिंग कुछ कुछ स्लाइटली रोलिंग हो सकते हैं अंडुलेटिंग हो सकते हैं ऊपर नीचे हो सकते हैं मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स प्लेन्स बनते कैसे रिवर्स से बनते हैं दे ट्रिब्यूटरी से बनते हैं द रिवर्स फ्लोड ऑन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड रोड दम अब रिवर्स क्या करती हैं फ्लो डॉन्स जो माउंटेन से जो मटेरियल आता है उस, उसको अपने साथ बहा कर ले जाती हैं और जहाँ पर स्लोप कम हो जाता है रिवर का वहाँ पर इसको जमा करना शुरू कर देती हैं दे कैरी फॉरवर्ड द अरोड मटेरियल और रिवर्स क्या करती है रोडड मटेरियल को साथ साथ में कैरी ऑन करती रहती हैं देन दे डिपोजिट देयर लोड्स कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन्स सेंड एंड सिल्ट अलॉन्ग देयर कोर्सेज जब वो रस्ते में अपने जो सिल्ट हैं सेंड है स्टोन्स हैं है, वो जमा करते रहते हैं तो देयर वैलीज में वो जमा करते रहते इस तरह से क्या बन जाते हैं प्लेन्स बन जाते हैं इस तरह से क्या बन जाते हैं प्लेन्स बन जाते हैं कि जो रिवर्स अपने साथ सिल्ट लेके आती है सैंड लेकर आती है जब वो किसी किसी एक प्लेस पे उसको जमा करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर क्या बन जाते हैं प्लेन्स बन जाते हैं जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल बहुत फर्टाइल होते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की ईजी वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का ईजी होता है दस बीस प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटड इसीलिए जो प्लेन्स हैं वेरी थिकली पॉपुलेटेड होते हैं सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाई द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया बहुत से प्लेन् ऐसे हैं जो एशिया में रिवर्स बनाती हैं नॉर्थ अमेरिका की रिवर्स बनाती हैं फॉर एग्जाम्पल एशिया की बात करें तो दिस प्लेन्स आर फाउंड बाई गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा बहुत से प्लेन्स जो इंडिया का जो प्लेन एरिया है वो कौन सी रिवर्स बनाती हैं गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर्स बनाती हैं आगे बात करते हैं प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज़ फॉर ह्यूमन हैबिटेशन जहाँ पर जो प्लेन्स है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बड़ा यूजफुल एरिया है देर इज़ अ ग्रेट कंसनट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज जहाँ पर बहुत सी लैंड है जहाँ पर जो हाउस बनाए जाते हैं कल्टिवेशन की जाती है क्यों क्योंकि वहाँ की सॉइल जो है फर्टाइल सॉइल है वहाँ की सॉइल फर्टाइल सॉइल है द लैंड इज़ हाईली प्रोडक्टिव एंड कल्टिवेशन जो लैंड है वो हाईली प्रोडक्टिव होती है कल्टिगेशन के लिए गुड़ गुड होती है इसलिए ये जो प्लेन्स है वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं